ये वॉल पुट्टी का मैंने एक पत्ते के डिज़ाइन में और दो गोले बनाए हैं, उसको मैंने कलर करके उस पर क्ले, जो सुपर क्ले आता है उससे ये दो डिज़ाइन बनाई है, एक गणपति जी और एक फूल का। अब इसके ऊपर थोड़े से स्टोन वगैरह हम चिपका देंगे। इसको अच्छे से कलर कीजिए, डिटेलिंग कीजिए, और भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। एमसील की सहायता से मैंने ये दो जो हैवी मोतियाँ हैं उनको चिपकाया, और ये जो मुझे खजाना मिला हुआ है लकड़ियों का, मैंने आपको बताया है, आपके साथ वीडियो शेयर की है, उन लकड़ियों को हम क्या करेंगे, एमसील की सहायता से इसके बीच में थोड़ा सा लगा देंगे। एमसील के दो पैकेट्स आते हैं, उन दोनों को आपस में अच्छे से अटैच कर दीजिए, गूंद दीजिए। थोड़ा मेरा ये हैवी है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, ये मैं स्टोन चिपका रही हूँ। आपको जो भी कलर पसंद हो या डिज़ाइन पसंद हो सुपर क्ले से आप बना दीजिए, और उसके ऊपर अपना, मैंने ये थोड़ा रॉयल लुक देने के लिए ब्लैक और गोल्डन कलर से इसको थोड़ा अच्छा क्लासी लुक दिया है। आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, इसको आप टी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे भी डाल सकते हैं या पूजन की ताक पे भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा शो आ रहा है। इसके बाद हमने इसके ऊपर भी जो आप नीचे का इसका स्टैंड बनाएंगे उसके ऊपर भी आप स्टोन वगैरह चिपका लीजिए। अब इसके बाद एमसीएल को दोनों को मिक्स करके, क्योंकि मेरा ये थोड़ा हैवी वेट का था तो मुझे बहुत परेशानी आई इसको चिपकाने में, लेकिन फाइनली ये चिपक चुका था। तो ये देखिए एमसील को मिक्स करके मैंने इसको चिपकाने का प्रयास किया, क्योंकि पुट्टी का वेट एकदम सीमेंट के जैसा होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से चिपकाने का प्रयास किया। आप अगर ये लीफ की डिज़ाइन बनाएं या कोई भी अदर डिज़ाइन बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि पुट्टी कम और इसको थोड़ा पतला बनाएं। ये देखिए इस तरह से, लेकिन मेरा ये चिपका नहीं, बहुत परेशानी आई, लेकिन फाइनली ये चिपक चुका है और ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। देखिए आप इस तरह के दूसरे भी स्ट्रक्चर बनाकर इसको इस तरह से लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका शुक्रिया।